स्वागत है रोजाना टाइम्स देखने वाले स्रोतियां दा। मैं तरनदीप सिंह। कल कोटकपुरा दे विच कतल होया। दिन दिहाड़े सवेरे तड़क सार पांच छे जिहड़े कातल आउंदे ने उन्हां दे वल्लों ताबड़ तोड़ गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने। डेरा प्रेमी प्रदीप दा कतल कर दिता जांदा है। दरअसल इस बारे सारी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदा। प्रदीप दा 2015 दे विच FIR 63 दे विच नामजद है, क्योंकि 2015 दे विच जिहड़ा बरगाड़ी बेअदबी मामला होया सी उहदे विच डेरा प्रेमी प्रदीप दा नाम है, जिस तों बाद उसनू जेल भी भेजा गया। हुण बाहर आया होया, जिस तों बाद कल सवेरे तड़कसार प्रदीप दे ताबड़ तोड़ गोलियां चला दित्ते जांदे ने, 20 फायर किए जाते हैं, जिदे विच प्रदीप दी मौके ते ही मौत हो जाती है और एक पुलिस अधिकारी फटर हुंदा है ते जिहड़े कातल ने मौके ते फरार हो जाते हैं। लगातार पंजाब दे विच अजिहियां वारदातां वध रहियां ने। बीते दिन ही इस महीने के अमृतसर सुधीर सूरी का कतल किया गया और अज कल प्रदीप का कतल कर दिता गया से। जिस तो बाद पंजाब की सरकार नूं विरोधियों ने घेर लिया और कहा कि पंजाब की जिहड़ी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विगड़ रही है। और जिहड़ा अश्विनी शर्मा कांग्रेस भाजपा के प्रधान, उन्होंने कहा कि पंजाब जिहड़ा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है यह दिल्ली तो चल रहा है और पंजाब के हालातों से जमा भी सीएम भगवंत मान की निगाह ने। जिस तो बाद लगातार विरोधी पार्टियां ने पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी ने घेरिया, तो उत्ते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हाई अलर्ट मीटिंग करते हैं, जिथे उच्च अधिकारी पुलिस अते IG DGP नाल मीटिंग की जाती है। जिस तो बाद हाई अलर्ट जारी कर दिता जाता, सख्त निर्देश दिते जाते हैं कि जिहड़ा यह कतल होया इहदी बरीकी दे नाल तफतीश की जाए। जिस तो बाद 45 मैंबरी कमेटी के मैंबर आते हैं और जिहड़ा प्रदीप का शव हुंदा है देह हुंदी है उसनू जिहड़ा गुरनाम कोटकपुरा का चर्चा घर के रखा जाता, तो उस तों बाद लगातार बयान आते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आ जाता, राजा वड़िंग का बयान आता और नाल ही विरोधी पार्टियां पंजाब की सरकार नू घेर दियां ने। तो एक पोस्ट सांझी हुंदी है जिहदे विच लॉर्ड्स बिश्नोई अते गोल्डी बराड़ का जिक्र हुंदा है। गोल्डी बराड़ के एक पेज तो एक पोस्ट सांझी हुंदी है जिहदे विच कहा गया है कि 2015 तो लैके हुण तक जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हुई सी उहदा इंसाफ नहीं मिलिया। जिस तों बाद तीन सरकारां बदलियां, पहला कांग्रेस की सरकार रही, फिर चरणजीत चन्नी की सरकार रही और हुण तीजी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार आ। हुण तक इंसाफ नहीं मिलिया, असी इंसाफ लै लिया और कह दिता कि जिहड़ा यह कतल आ यह गोल्डी बराड़ अते लॉर्ड्स बिश्नोई की गैंग ने किया। जिस तों बाद लगातार पंजाब पुलिस इस पोस्ट की जिहड़ी पोस्ट पाई जाती है फेसबुक से जांच की जाती है। IG का बयान आता जिहदे विच यह भी कहा जाता कि पंजाब के जिहड़े डेरा प्रेमी ने जां स्थिति नूं बरकरार रखा जाए, शांति बनाई रखी जाए। उत्ते ही शाम नूं एक खबर सांझी सामने आउंदा जो बाजा खाने तो, जिथे जिहड़े ये कातल हुंदे ने बाजा खाने अपने जिहड़े मोटरसाइकिल हुंदे ने उत्थे छड्ड के फरार हो जाते हैं। जिस तों बाद इन्हां मोटरसाइकलों नूं हिरासत में लिया जाता, तो इन्हां दी जिहड़ियां नंबर प्लेटां हुंदियां ने वह भी जाली हुंदियां ने। तो यह नंबर प्लेटां दो मोटरसाइकलों दियां हरियाणे दियां और बाकी पंजाब दे हुंदे ने। तो जिस तों बाद लगातार पंजाब पुलिस मामले की बरीकी दे नाल जांच कर रही है और सवेरे ही अज जिहड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के स्पैशल सैल के वलों वड्डी कार्रवाई की जाती है और जिहड़े ये कातल फरार हुंदे ने, प्रदीप जो डेरा प्रेमी आ जिहदा कतल करके फरार हुंदे ने, उन्हां दी दो तो तीन जिहड़े गैंगस्टर ने कातल ने उन्हां नूं हिरासत में लिया जाता है। तुहानू दस दिए तिने जिहड़े कातल ने यह हरियाणे दे नाल संबंध रखते हैं और जिहड़ा प्रदीप दा कतल आ उह मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ दे वल्लों कीता जांदा। बीते दिन मई दे विच मरहूम गायक सिद्धू मूसल दा कतल कीता जांदा और उहदी जिम्मेवारी भी गोल्डी बराड़ लैंदा और जिहड़ा प्रदीप दा कतल कीता जांदा इहदी जिम्मेवारी भी गोल्डी बराड़ लैंदा। तो यह भी कहिंदा कि जिहड़ा यह कतल कीता गया लॉर्ड्स बिश्नोई दे ग्रुप वल्लों कीता गया। और पोस्ट भी मैं तुहाडे नाल सांझी करना, पोस्ट दे विच की लिखिया हुंदा तुसीं देख सकते हो। पर जिस तों बाद अज दिल्ली दे स्पैशल सैल इस दे जिहड़े ये कातल ने जिहड़े गैंगस्टर ने भाल की जाती और उन्होंने हिरासत में लिया जाता है। तीन गैंगस्टर अज जिहड़े जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया, पहला जिहड़ा जतिंदर जीतू, दूजा
मनीष ते तीजा रोहित तिन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। और जिहड़े दो ने रोहित अते मनीष इन्हां दी जिहड़ी उम्र आ महज 14 साल दसी जा रही है नाबालिग ने। और इत्थे इह वी वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है क्योंकि जदों सिद्धू मूसेवाले दा कतल होया सी और संदीप नंगल अंबियां दा पहलां वी कतल कीता गया, ओह वी जिहड़े गैंगस्टर सी ओह वी जिहड़े हरियाणे नाल तालुकात रख रहे सी, और जिहड़े इह गैंगस्टर ने जां इह कातल ने इन्हां दा वी संबंध हरियाणे दे नाल आ। और पुलिस ने दस दी एक रोहतिक दा एक भवानी दा रहण वाला मनीष ते रोहित। जिहड़ा जतिंदर जीतू आ अंबाले दे विच इक कतल हुंदा है उहदे विच जतिंदर जीतू दा नाम आउंदा है। इह तस्वीरां वी मैं तुहाडे नाल सांझी करदिआं जिहड़ियां कतल कीता गया सी, उह तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकदे हो जिहड़े इह नौजवान ने सरेआम फायरिंग कर दिंदे ने। ते तिन्न जिहड़े नौजवानां दी गिरफ्तारी होई आ, दो नाबालिग ने रोहित ते मनीष जिन्हां दी उम्र 14 साल आ, नाबालिग दसे जा रहे ने। और उत्थे ही इन्हां नूं हुण जिहड़ा दिल्ली दे स्पैशल सैल ने अरैसट किया है, हिरासत में लिया है, अदालत में पेश किया जाएगा और जिस तों बाद इन्हां दी रिमांड ली जाएगी तो पुछगिछ की जाएगी। इत्थे इह वी वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है कि पंजाब दे विच जिहड़े लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ बिगड़ती जा रही आ, जिहड़े गैंगस्टर ने जेलां दे विच फोन बरामद हुंदे ने और इन्हां दा जिहड़ा संबंध आ ओह अबरॉड प्रदेशां दे विच विदेशां दे विच जिहड़े बैठे ने गैंगस्टर उन्हां दे नाल, और जिहड़ा डेरा प्रेमी प्रदीप दा कतल किया जाता रिंदा पाकिस्तानी गैंगस्टर आ उहदे नाल संबंध दस्सिया जाता, हथियार कित्थों आउंदे ने, हथियार कौन प्रोवाइड करदा, और जिहड़े इह नाबालिग नौजवान ने इन्हां नूं ही क्यों इदां दे जिहड़े कम्म ने जां गैंगस्टर दी लहिण दे विच पाया जाता, इह वी सवाल बड़े खड़े हुंदे ने क्योंकि पंजाब दी जिहड़ी स्थिति आ बिगड़ती जा रही है। विरोधी नेता कहिंदे, उधर मजीठी का भी बयान सामने आया, प्रैस कॉन्फ्रेंस मजीठी वालों की गई सी कि पंजाब दे जिहड़े हालात ने बिगड़ रहे ने। सो जिहड़ी कार्रवाई की गई अज्ज उह सवेरे तीन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, दो तो नाबालिग ने, जतिंदर जीतू हालांकि उहदा पहलां भी नाम हैगा किसी कांड दे विच जो अंबाले दे एक नौजवान का कतल किया उहदे विच, जिस तों बाद इन्हां नूं हुण दिल्ली दी अदालत विच पेश किया जाएगा। उस दौरान हुण दस दईए परिवार ने सहमति जाहर की आ प्रदीप दे ने, हालांकि यह भी कहा सी जो प्रदीप आ जो कोटकपुरा दे विच बेअदबी मामले दे विच उहदा नाम नामजद आ, उहदा परिवार ने कोई मंग नहीं रखी सरकार तों, बस इन्ना कहा है कि असीं इंसाफ की मंग करते हाँ। भावें कि कल डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम का बयान सामने आया सी कि जिहड़ा असीं निंदा करते हाँ कोटकपुरा दे विच जिहड़ा कतल होया, यह भी कहा सी कि इसकी बरीकी दे नाल सख्ती दे नाल जांच की जाए और कातलां नूं सख्त सजावां दिते जाण। गुरमीत राम रहीम का यह बयान आया और जिस तों बाद लगातार विरोधी धिर और नेतावां दा कानून व्यवस्था नूं लैके कई सवाल खड़े हुंदे रहे। उस दौरान अज्ज जिहड़ा प्रदीप दा जिहड़ी देह आ उसका संस्कार करन दे लई परिवार मन गया, भावें कि 45 मैंबरी की कमेटी ने इस ते मीटिंग की, मीटिंग तो बाद परिवार ने कोई मंग नहीं रखी, कोई सरकार नूं मंगा नहीं रखिया, सीधा कहता गया कि पंजाब सरकार तो असीं इक्को मंग रखदे हां क्योंकि जिहड़ा साडा पुत प्रदीप आ उसका जिहड़ा ब्याह होया उसके ब्याह दे विच आनंद कारज नाल ब्याह होया, असीं वी कदे वी साडे जिहड़ा प्रदीप आ इसका जिहड़ा नाम FIR दे विच दर्ज किया गया इह एक वड्डी चाल आ। सो परिवार ने इंसाफ की मांग की, तो यह भी कहा गया कि जिहड़ा नाम जिहड़ा 63 नंबर FIR विच नामजद किया बेअदबी मामले विच उहदी वी बरीकी नाल जांच की जाए। सो जिहड़ा प्रदीप आ जो डेरा प्रेमी आ उहदा कतल किया गया इसकी जिहड़ी बरीकी दे नाल जांच की जाए, जो भी अपडेट आएगी मैं तुहाडे नाल जरूर सांझे कर दिंदा। और जिहड़ी अपडेट सी दे चुके हां हुण अज्ज संस्कार कर दिता गया ते नाल ही जिहड़ा परिवार ने मंग रखी सिर्फ इंसाफ की मंग रखी आ, हालांकि तीन जिहड़े कातल ने उहनां नूं हिरासत विच लै लिया गया, हजे भी तीन की भाल की जा रही है, उहनां दीआं तस्वीरां कब्जे विच लैके खंगालियां जा रही ने, उन्होंने जिहड़ियां बाइक ने वो तो जिहड़े मोटरसाइकिल ने वह वाजा खाने तो बरामद किए गए हैं। दिल्ली की स्पैशल सैल भी बरीकी नाल जांच कर रही है, पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस भी इस मामले की बरीकी नाल जांच कर रही है। इस बारे इस मामले में की अपडेट आँदी है मैं फिर तुहाडे नाल लैके हाजिर होवांगा, मैनू दिओ जी अज्ज, सत श्री अकाल।